नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बबीता। आओ क्या भाभी है? बबीता ही है। आती हूँ बापू जी। बबीता जी आप आए बाहर आए क्या? मतलब बबीता जी आप आए तो मैं अंदर से बाहर आई आया। ऐसा क्या मजा करता है भला? कल को तुम हाथी भाई के लिए इसकी कमर की पेंट लेके आओगे और कहोगे हाथी अंकल आपके लिए क्या करेंगे हाथी अंकल उस गिफ्ट का? ऐसे पहनेंगे वो पेंट? बिल्कुल सही बात है। वैसे हाथ में पहने कल को गोपालाल अंकल के लिए तुम लोग सिंदूर की डिब्बी लेके आओगे। गोपालाल अंकल आपके लिए गिफ्ट? अरे क्या गिफ्ट, क्या करेंगे गोपालाल अंकल सिंदूर की डिब्बी का? किसकी मांग में भरेंगे? अपनी खुद की मांग में? चल पीड़े मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, मेरे घर पे नहीं आया हूँ। तुमसे बात करने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे ये जा रहे हैं ना भाई, रोज लगभग मैं ही उनको ऑफिस छोड़ता हूँ ना, और मैं अकेला निकल जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहा साहब आप भी रुक जाइए। अरे मैं रुक के क्या करूँगा, तुम टप्पू की शिकायत कर रहा है, उसमें क्या काम है? अच्छा मतलब टप्पू अभी आपका कुछ नहीं लगता? अच्छा भाई बेटे बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये मेहता साहब। अरे मुझे क्या बोल रहे हो भाई, उसे अब तू मुझे ये बता टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है और बापू जी भी अभी अभी बाहर गए। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं कोई नहीं है। उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। बताइए ना यही की आज आप आइटम लग रहे जी। नहीं गलत शब्द आ गया, आइटम नहीं हो आप। हाँ आज आप एकदम परी लग रहे, पंख नहीं है खाली बस। हम औरतें मन की साफ होती है। बबीता जी आपको समझो, बाकी सारी औरतों की बात कर रहे। कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं करेगा, दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं।